फिर एक बार स्वागत है आप सभी का आज की हमारी पांचवी वीडियो में। आज का टॉपिक है सोच भला तो हो भला। इस कहानी को आपके समक्ष सादर करने के लिए मुझे द सीक्रेट इस पुस्तक से प्रेरणा मिलती है। तो आइए आज सीधे ही कहानी पर आते हैं। एक गांव था। ओ कितना सुना हुआ लग रहा है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने इस तरह की कहानियां पढ़ी या सुनी होंगी। मुझे उत्तर का अनुमान लगाने दीजिए। तो आपका उत्तर है जी हाँ, लेकिन कहानी अभी शुरू हुई नहीं है और जवाब है ना। यह कहानी गांव की अन्य कहानियों से बिल्कुल अलग है, जहाँ एक किसान और उसके बेटे का जीवन और वह मरने वाला था। शुरुआत गांव से होती है, लेकिन कहानी के अंत तक यह आपकी सोच के विभिन्न पहलुओं से आपको रूबरू कराएगी। चलिए सफर शुरू करते हैं। एक गांव था और उस गांव के एक महल में प्रशांत नाम का एक लड़का रहता था और वह धनवान व्यक्तिमत्व था। अधिकांश गांव वाले भी धनी थे, लेकिन आपके पास जितना अधिक धन होगा आप इसे खोने के लिए और अधिक भयभीत होंगे। ऐसा ही उन गांव वालों के साथ हुआ। उन्हें हमेशा अपनी संपत्ति खोने का डर होता है और जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, हर दिन गांव का कम से कम एक व्यक्ति अपना संपत्ति खो रहा था। गांव में 100 बंगले, 200 रो हाउस और बड़े बड़े घर भी थे। जैसे कि लोग दिन ब दिन अपना पैसा खो रहे थे और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें, क्योंकि वे असहाय थे। क्योंकि हर कोई अपना पैसा कैसे खो सकता है, मानो या न मानो, लेकिन ऐसा हो रहा था। दिन बीत रहे थे और दिन ब दिन एक के बाद एक को छोड़कर सभी अपना धन खो दिए। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह कौन था? सोचो सोचो, क्या आपको जवाब मिल गया है? तो अभी नहीं, कृपया मैं आपको बता दूं कि जो महल में रह रहा था वह था। लेकिन वह अकेला क्यों था जिसने अपनी संपत्ति नहीं खोई? चूंकि वह भी उन्हीं के साथ उस गांव में रह रहा था। यह कहानी मुड़ती है और हमारे पास इसका जवाब है। नहीं, कुछ पल और इंतजार करिए। गांव वाले सब एक साथ महल में गए और उस आदमी से पूछा कि तुम अभी भी अमीर क्यों हो? क्या आपके पास इसका जवाब था? कुछ देर के लिए वह सोचता है और हाँ में सर हिलाता है। वह सभी से पूछने लगता है कि आप सभी अपने दैनिक जीवन में क्या कर रहे थे? कृपया मुझे विस्तार से समझाएं। वे एक एक करके समझाने लगते हैं और इतना सुनने के बाद कुछ अजीब नहीं लगता कि उन्होंने अपनी दौलत को क्यों खो दिया? तो वह क्या उसका उत्तर खोजने में सक्षम था? आपको क्या लगता है वह है? फिलहाल उसका पता नहीं चल सका है। अब और इंतजार नहीं करेंगे। उन्होंने ग्रामों ने या गांव वालों से कहा कि वे जाकर अगले दिन वापस आकर समाधान करें। इस बीच वह अपने बंदे से पूछ रहा था कि आपको कोई संकेत मिला कि ऐसा क्यों हो रहा है? और कुत्ता भौंकना चालू कर देता है। तो अचानक वह आदमी जो पहले सुलझाने वाला था कुछ देर के लिए रुक जाता है। वह बुद्धिमानी से सोचता है कि कुत्ता क्यों भौंक रहा है। क्या वह कुछ सोच रहा है? और वह वहां से चला गया। अगली सुबह गांव वाले महल में आए। उसने सभी को बैठने के लिए कहा और उसने 3-4 लोगों को पास आने को कहा। और ग्रामीणों या गांव वालों की बातों से पहेली खुलने लगती है। यह क्या था? जैसे कि गांव वाले उस व्यक्ति द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देने लगते हैं। लेकिन सवाल क्या था? सवाल यह था कि आप उन दिनों क्या सोच रहे थे? क्या आपने ऐसा कुछ सोचा था कि आप अपना पैसा खो देंगे और इसे कैसे बचाए? और सब चिल्लाने लगते हैं, हाँ, हम सब यही सोच रहे थे। तो मेरे सारे गांव वालों, आपको आपका जवाब मिल गया कि आपने आपका धन क्यों खो दिया। हाँ, लेकिन अपने अपना पैसा क्यों नहीं खोया? आप सब सुनना चाहते हैं, मुझे पता है। तो मैं आपको बता दूं, मैंने अपनी संपत्ति को खोने के बारे में कभी नहीं सोचा था, क्योंकि मुझे विश्वास है कि अगर मैं इसे एक दिन में कमा सकता हूँ तो शायद मैं इसे खो भी दूंगा। लेकिन मुझे इतना कॉन्फिडेंस था, मुझे अपने आप पर इतना भरोसा था कि अगर खो सकता हूँ तो गवा सकता हूँ तो उसे पा भी सकता हूँ। तो गांव वालों में से एक ने कहा कि आपकी भी यही सोच है, लेकिन हमने और आप में क्यों नहीं?
मैंने कहा कि मैंने इसे खोने के बारे में कभी नहीं सोचा था। तो अगर मैं कुछ भी नहीं सोच रहा था तो ऐसा नहीं होगा। आप सभी लगातार एक चीज़ के बारे में सोच रहे थे जो कि इसे खो देगी। यह सोचने के बजाय कि अगर आप अपने काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं और बेहतरी के लिए खुद को प्रेरित करते हैं तो आप इसे नहीं खो सकते। हुर्रे, हमें सोच भला तो हो भला का जवाब मिला। कई बार हम सिर्फ उसी के बारे में सोचते हैं जो हम करना नहीं चाहते, लेकिन जैसा कि ऊर्जा केवल वही आकर्षित करती है जो आप सोचते हैं, और यह आपके लिए सही हो जाती है। इसे आकर्षण का नियम कहा जाता है। तो चलिए वही करना शुरू करते हैं जो हमें पसंद है, और जो हमें पसंद नहीं है उसे याद करने की कोशिश भी ना करें। आप सभी हमारे साथ बने हैं, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और जैसे कि हमारे दर्शक हमें सुझाव दे रहे हैं उन विषयों पर हम वीडियो बना रहे हैं, ये निरंतर प्रयास हम कर रहे हैं। आपके सुझाव हमें प्रेरणा देते रहेंगे कि हम और अच्छा करें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन को याद रखें, क्योंकि 365 दिन 365 वीडियो आपके लिए हम बनाते रहेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके किसी पसंद के विषय पर वीडियो बनाया जाए तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।